सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग है मैं मेडिटेशन करके आई, तो मुझे जो ऐसी फीलिंग्स आई, जो मुझे एनर्जीज आई, उसके हिसाब से मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। क्योंकि आज तो मेडिटेशन करते टाइम मुझे ऐसी फीलिंग्स हुई, ऐसी एनर्जीज मिली कि कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है किसी को, है ना। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जैसे बोलती हूँ ना आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में अपने अपने नाम लिख दिया करिए, तो कमेंट बॉक्स में जो नाम लिखे होते हैं ना, तो ज़्यादातर मैं नाम को जो स्लिप बनाती हूँ उसमें ज़्यादातर नाम जो है ना वो मैं बोलती रहती हूँ कि इनके लिए प्रेयर, उनके लिए प्रेयर, उनका नाम, इनका नाम, जो भी जिनका भी नाम होता है ना, तो मैं प्रेयर के लिए बोलती रहती हूँ कि भाई गॉड प्लीज़ इनको मिलवा दो, गॉड प्लीज़ इनको मिलवा दो, है ना। तो मैं प्रेयर कर रही थी ना, तो मुझे सडनली जो एहसास हुआ, ऐसा लगा जैसे मिस कर रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा। तो मुझे जो आज की एनर्जीज, आज की जो रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं आपका लव जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस पर ही आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो देख लीजिए कि आपके पर्सन की एनर्जीज है इस टैरो कार्ड में। सो चलिए देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग मैं बना रही हूँ, जनरल रीडिंग है, राशियाँ मैं आपको बता दूंगी, क्या कंडीशन है सिचुएशन मैं बता दूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स माय यूट्यूब चैनल। एंड देखते हैं इस टाइम पर भाई क्या जो मुझे एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा कोई मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई याद कर रहा है, क्या ये एनर्जी ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ मैं। पॉजिटिव होकर प्लीज मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देखा करिए, देखते हैं। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, मुझे लग रहा है किसी लोगों को मुझे एनर्जीज मिल रही है कि देखो लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है, और ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि क्योंकि एनर्जीज मुझे आ रही है डिस्टेंस वाली, जैसे कि डिस्टेंस में आ जाता है ना जब कोई रिलेशन, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई, डिस्टेंस हो गया, दूर दूर हो गए, मतलब पास थे और पास होने के बाद जैसे दूरियां आ जाती हैं, या फिर किसी वजह से किसी बात को लेकर ना ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही। ओके देख लीजिए, तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही थी वो काफ़ी हद तक, मतलब जो एनर्जीज है वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हाल क्या हो रहा है उनका आपके बिना, यहाँ पर ये एनर्जीज हो रही है, मतलब हाल ना पूछो मेरे दिल का, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके बिना क्या हालत हो रही है इनकी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और हर बार जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। सो यहाँ पर तो पल पल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है, दिल नहीं लग रहा है इनका आपके बिना, हर पल जो है वो आपके बारे में, इनको हर टाइम इनको आप चाहिए, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, जैसे लग रहा है रो रहे हैं और ख्वाबों में भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज तो मुझे आ रही है इनके जो दिल की जो अंदर की जो फीलिंग्स आ रही है ना वो उस पर इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही ना इनको। एक होता है ना कि मतलब हम समटाइम्स इंसान अपनी जो फीलिंग्स है उन पर कंट्रोल कर लेता है ना, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, काफ़ी दिनों से इन्होंने अपनी फीलिंग्स पर ना कंट्रोल करके रखा हुआ है, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली एनर्जीज हो रही है कि भाई अब तुम मुझे मिल जाओ, अब मुझे बात करनी है तो करनी, रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है इनके साथ, आप मैरिड कपल भी हो सकते हो, आप लव पार्टनर भी हो सकते हो, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर आपका कोई और भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि हर रिलेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर रिलेशन की एक अपनी फीलिंग्स होती है, हर रिलेशन की अपनी एक वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है, एंड देख लेते हैं, ओके देखिए सेपरेशन की एनर्जीज आ रही है, सेपरेशन की जो एनर्जीज आ रही है वो इस चीज़ को बता रही है कि देखो भाई गुस्से में तो हम एक अलग हो गए, ठीक है, आर्ग्यू में हम अलग हो गए, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से हम अलग हो गए, लेकिन अलग होकर मुझे तुमसे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है आपके पर्सन की। जैसे कि आपके पर्सन मुझसे बोल रहे हैं कि सौम्या मैम आप मेरे पर्सन को मैसेज दे दीजिए कि मैं भाई अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, बहुत दिन हो गए हैं मेरा और तुम्हारा दूर दूर दूर, हम अब बात करना चाहते हैं, हम अपने रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जैसे वो हर पल हर टाइम हर समय जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। सेपरेशन की एनर्जीज आ रही है जो कि ये चीज़ को बता रही है कि बहुत ज़्यादा जब सेपरेशन हो जाता है ना, या बहुत ज़्यादा जब हम किसी को वैल्यू देते हैं, जब बहुत ज़्यादा किसी को लव करते हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी के
बिना रह नहीं पाते हैं, तो कैसी सिचुएशन हो जाती है। मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके बिना बहुत दिन हो गए हैं कि आपसे बात नहीं की है, आप लोगों ने साथ में बैठे नहीं हो, एक दूसरे को मैसेज नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं एक दूसरे की फीलिंग्स जो है, जो भी है, मतलब एक लव था कि अर्थी नहीं बात की है, थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, आपके साथ दूर दूर रहना शुरू कर दिया हो, जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां आ गई। कमिटमेंट भी हो सकता है कि इन्होंने आपको दिया हो लेकिन इन्होंने अपना कमिटमेंट जो है वो दूर कर दिया हो किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी की वजह से या फिर जो भी एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ना ये अचानक से सडन हुआ है जो मैं देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आज ही की एनर्जीज है, जैसे कि आज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि क्योंकि ये जो है वो आपसे दूर चले गए हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही है कि पहले ही आपके बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन जब से थर्ड पार्टी का रिलेशन आया है या फिर जब से थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आई हुई है ना आपकी ज़िंदगी में, तब से ये इन्होंने मूव ऑन तो कर लिया लेकिन ये पूरी तरीके से कर नहीं पाए मूव ऑन। बहुत ज़्यादा मतलब इनको ऐसी फीलिंग्स आ रही कि बहुत ज़्यादा ना आपकी आपकी अब प्रभाव हो रही है इनको, आपको इनको लग रहा है कि भाई आप जो है वो कहाँ चले गए इनको छोड़कर, या फिर क्यों ये और आप अलग हो गए। तो अलग अलग सा होता है ना, अकेला अकेला सा मीन्स मतलब अलग अलग सा नहीं, अकेला अकेला सा एनोन एलोन सा फीलिंग होती है ना, जब हम समटाइम्स किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इंसान जब हमसे दूर हो जाता है या फिर वो इंसान जो भी हो पर्टिकुलर जिसको हम बहुत ज़्यादा गॉड जैसा दर्जा दे रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको भी ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी समझते थे, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए एक गजब सी अजब सी फीलिंग्स, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप दूर हो गए थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, अब ये दोबारा से आपके साथ एक न्यू तरीके से न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे पता है क्या लग रही है यहाँ पर, कि जैसे ये इनके इनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप मेरे पर्सन को मैसेज पास कर दो कि भाई हम आप दूर नहीं रहना चाहते, मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, भाई थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, हमें अब एक होना है, हमें अब अलग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया या फिर कोई फैमिली इशू हुआ या जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के बीच में, वो चीज़ों ने आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया और वो डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आज आपको दूर कर रहा है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है कि आप वो डिस्टेंस, वो रिलेशन, वो प्रॉब्लम्स जो थी आप लोगों के बीच में अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो आप लोगों को दूर कर रही थी वो वापस से अब एक होने वाली एनर्जीज आ रही, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कुछ आपको हर्ट किया है जैसे पास्ट में, क्योंकि गलती का भी एहसास हो रहा है इनको, ये भी हो रहा है, हो सकता है कि कुछ गिल्ट भी इनको लग रहा है कि मुझे देखकर कि कुछ गलतियां जो इन्होंने की हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियां की होंगी जैसे इग्नोर करना, ब्लॉक कर देना आपके साथ, क्योंकि अभी ना इनको माइंड जो जिस कंडीशन में हो रहा है और जिस कंडीशन के कार्ड आए हैं और ये कार्ड्स बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी में पूरी तरह फंस गए हैं, थर्ड पार्टी डेली इनसे लड़ रही है, झगड़ रही है, थर्ड पार्टी आर्ग्यू बहुत कर रही है, थर्ड पर्सन क्लेवर बहुत ज़्यादा है, अटक दिख रहे हो आप ये कार्ड अगर आपको दिख रहा, जो एक इंसान कैसे सिचुएशन में फंस जाता है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि ये निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के रिलेशन से, एंड मतलब एक सेपरेशन वाली एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो लव है ना वो आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका प्यार जो है वो आपको मिस कर रहा है, वो आपके पास आना चाहता है, वो अब सारी दुनिया को छोड़कर सारे रिश्ते जो आपको दूर कर रहे हैं वो रिश्ते खत्म करके आपके पास आना चाहता है। ट्रस्ट की एनर्जीज आ रही है, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपसे कि प्लीज़ वन टाइम एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की आ रही है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एनर्जीज मुझे आज की मिल रही है इस टाइम पर, क्योंकि आपके पर्सन बार बार मेरे से बोल रहे हैं रो रो कर कि भाई मुझे मेरा पर्सन जो है वो वापस कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्से में आकर मैंने उसका दिल दुखाया है,
गुस्से में आकर मैंने उसके साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा किया और आर्ग्यू की, थर्ड पार्टी को अपनाया, उसको विश्वास भी दिलाया और कॉन्फिडेंस भी दिलाया, और उसके बाद भी उसका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी का साथ दिया। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कि मैं अब सॉरी बोल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई तुम मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी जा रही है बहुत इमोशनल वाली एनर्जी जा रही है। तो और मैं कार्ड्स देख लेती हूँ इनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रहे हैं, मैं ये भी देखती हूँ इसमें कार्ड्स में। कमिटमेंट हो सकता है, कोई आपको दिया था बीच में छोड़कर चले गए ये, या कमिटमेंट के नाम से चले गए, या थर्ड पार्टी की वजह से कुछ दूरियां आ गई। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ईश्वर ने कुछ चमत्कार किया है। देखिए ईश्वर की तो होती ही है माया, है ना, ईश्वर का चमत्कार तो सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इनके साथ चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी ने कुछ चीटिंग की है और ये अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और अकेले होने की वजह से ना एक इनको ना घबराहट सी हो रही है और घबराहट सी एनर्जीज में आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा जब इंसान अकेला हो जाता है ना, टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, तब उसे हमेशा वही इंसान याद आता है जब उस जिसका हाथ पकड़कर वो हर चीज़ कह लेता था, हर बात कह लेता था, जो उसका सुख में दुख में सब में साथ देता था, है ना। तो वो इंसान आप हैं और आज वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी जो एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके लिए अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा लविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रही है, बार बार में हर चीज़ में 24 आवर्स आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आपकी ज़िंदगी से चले भी गए हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत दूर जा चुके हैं, हो सकता है मैरिज कर ली हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ शिफ्ट हो गए हो सकता है कि पूरी तरीके से आपकी लाइफ से चले गए हों, अलग रहते हों, आप नहीं साथ में रहते हो, या बस साथ में रहकर दूरियां आ गई हों। तो ये जो भी हैं ये अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर जो बुरा आपसे बोला, जो लैंग्वेज आपसे बोली उसका अफसोस हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों किया मैंने, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया आपसे, और मैंने क्यों ऐसे हर्ट किया। तो ऐसी एनर्जीज उनको आ रही है जो कि बहुत ही एक लवली भी एनर्जीज है, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आज। और ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि कल रात से ही मतलब ना इनको आपकी याद आ रही थी। कल रात में क्या हुआ कि कल रात में ये जो है अचानक से इनको आपका ड्रीम्स आया होगा, या फिर कुछ ऐसे हुआ होगा रात में कि अचानक से कुछ फोटोज़ वगैरह इनको इनके सामने आपकी आ गई होगी, कोई नाम हो सकता है आपसे मिलता जुलता, या आपका पर्टिकुलर कोई नाम इनका कहीं आपका दिख गया होगा। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ साइन ईश्वर ने इनको दिया जिसकी वजह से अकेलापन तो इनको लग ही रहा है, थर्ड पर्सन से इनकी लड़ाई हो ही रही है। तो ऐसे में जब प्रॉब्लम्स होती है ना तब इंसान को फिर उसी की याद आती है जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसके जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब रहा होता है, जो जिसने हमारी बहुत केयर की होती है, या फिर जिसके साथ हमने वो लम्हे गुजारे होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं। तो ऐसे तो नहीं भूल जाएंगे ना ये आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये जो भी है ये आपको भूले नहीं है और ईश्वर इनको भूलने भी नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लविंग सी हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। करंट फीलिंग्स में इनकी दो कार्ड से और देख लेती हूँ कि अभी इस टाइम पर क्या कर रहे हैं ये एंड क्या चल रहा है इनके माइंड में। पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज किया करें प्लीज़, एंड कॉल ना किया करें, ओनली मैसेज पर ही अपॉइंटमेंट लें। देख लीजिए दो कार्ड्स आगे, एक और देखिए एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, पास्ट लाइफ की एनर्जीज आ रही है। देखिए दोनों ही एनर्जीज बता रही हैं यहाँ पर, ये करंट फीलिंग आ रही है, मींस अभी भी अभी जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो दिस टाइम नाउ जो है वो ये बता रहा है कि पास्ट को याद कर करके टेंशन ले रहे हैं। पास्ट को याद करके क्या मतलब, पास्ट में जो आपने किया, जो आपके साथ रहे, जो समय गुजारा उसको याद कर रहे हैं। वो एक जो एक अच्छी मेमोरीज होती है ना, गोल्डन मेमोरीज, है ना, और एक गुड मेमोरीज, गोल्डन मेमोरीज, गुड टाइम, वो चीज़ें ना इनको याद आ रही हैं। उसको सोच कर अभी भी आपका पर्सन ओवरथिंकिंग कर रहा है, एग्जॉशन की एनर्जीज में आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से आपको मिस कर रहा है। तो आपका लव आज आपको मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहता है। ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज है, आई होप सो कनेक्ट की हो एंड
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। एंड टेक केयर, बाय बाय।